मित्रों नमो नमः सुप्रभातम। कैसे हैं आप लोग मित्र? इस समय कोरोना वैश्विक महामारी चल रही है और मैं आपसे रोज़ाना यही निवेदन करता हूं, यही प्रार्थना करता हूं कि आप कहीं घर से बाहर ना निकलिए। बहुत ज़रूरत ना हो तो मत निकलिए, घर में रहिए मेरे भाई बहन। घर में रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। और आपको बता दें, अब कुछ ही दिन की बात है, चूँकि हर चीज़ का अंत होता है, इस कोरोना का भी अंत होगा निश्चित रूप से, ये बात सत्य है। तो क्यों ना कुछ दिन हम लोग बचा लें। मित्र, बचाव ही सबसे बड़ा इलाज है। अभी जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती है तब तक मेरे भाई बहन बचाव ही या कह लीजिए कि इलाज है। आइए हम लोग संधि से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की आपसे बातचीत कर रहे थे। एक वीडियो संधि का आप तक पहुंचा दिया गया मेरे भाई बहन। अगला आइए हम शुरुआत करते हैं। अगला प्रश्न है कि प्राधन एजते, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राधन एजते प्रेजते, प्राधन एजते प्रेजते इति संधि विधायक सूत्रम अस्ति। प्राधन एजते प्रेजते इति संधि विधायक सूत्रम अस्ति। संधि विधायक सूत्र क्या है मेरे भाई बहन? आपको बताना है कि प्राधन एजते, पहले तो जान लो प्राधन एजते से क्या बना। प्राधन एजते से जो बना वो बना मेरे भाई बहन प्रेजते। एका नहीं कि प्रेजते में कौन सी संधि है। जब तक आप प्रेजते में संधि नहीं जानोगे तब तक संधि करने वाला सूत्र भी नहीं जान पाओगे। और आपको बता दें, इतना महत्वपूर्ण उदाहरण है कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्राधन एजते प्रेजते, प्राधन एजते प्रेजते कौन सी संधि है मेरे भाई बहन? तो संधि का नाम हो जाएगा क्या? पररूप संधि। जो संधि का नाम हो जाएगा, संधि का नाम हो जाएगा पररूप संधि। और आपको बता दें, पररूप संधि विधायक सूत्र क्या है आप ही को बताना है। तो ए राइट आंसर, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पररूप संधि करने वाला सूत्र यही है क्या? एंग पररूपम, एंग पररूपम। मेरे भाई बहन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एंग पररूपम पररूप संधि विधायक सूत्र है। और प्रेजते में ध्यान से सुनिएगा कैसे कैसे सवाल बनेंगे। बहुत सवाल बन रहे हैं। पहला सवाल यही बनेगा कि प्रेजते का संधि विच्छेद करिए। तो प्रेजते का संधि विच्छेद क्या होगा? प्राधन एजते। फिर पूछ लेगा कि प्रेजते में कौन सी संधि है, तो आप कहेंगे पररूप संधि है। फिर पूछ लेगा कि पररूप संधि का सूत्र क्या है, तो यही आप बताएंगे एंग पररूपम, एंग पररूपम। पररूप संधि का सूत्र मेरे भाई बहन एंग पररूपम है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उदाहरण है। तो ए राइट आंसर, ए ऑप्शन को क्या कर लीजिएगा, सही कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल, प्रश्न संख्या 13, बहुत लाजवाब सवाल है मेरे भाई बहन, ध्यान से सुनिएगा। श्रीधन ईसह श्रीसह, देखिए संधि विच्छेद कर करके दे दिया है। श्रीधन ईसह क्या बनेगा? श्रीसह इत्यत्र संधि अस्ति। श्रीसह में कौन सी संधि है मेरे भाई बहन? श्रीसह में संधि पूछा जा रहा है, आप ही को बताना है श्रीसह में कौन सी संधि है। आप बताइए, गुण संधि है कि वृद्धि संधि है कि दीर्घ संधि है या फिर पररूप संधि है? चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए श्रीसह में कौन सी संधि है। श्रीधन ईसह श्रीसह, मित्र श्रीसह में दीर्घ संधि है और सी ऑप्शन को सही कर लीजिए। दीर्घ संधि का सूत्र क्या है तो नोट कर लीजिएगा, अकह सवर्णे दीर्घ, अकह सवर्णे दीर्घ। दीर्घ संधि का सूत्र मेरे भाई बहन अकह सवर्णे दीर्घ, ये दीर्घ संधि का सूत्र है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। श्रीधन ईसह श्रीसह, मेरे भाई बहन श्री में दीर्घ ई है और ईसा में भी दीर्घ ई है, तो दोनों मिलकर के दीर्घ हो गई, यानी क्या हो गया? दीर्घ संधि। तो सी राइट आंसर। और दीर्घ संधि का सूत्र क्या है? अकह सवर्णे दीर्घ। ध्यान से सुनिएगा कितने प्रकार से सवाल बनेंगे। पहला सवाल, दीर्घ संधि का सूत्र क्या है, तो आप बताएंगे अकह सवर्णे दीर्घ। फिर पूछ लेगा मेरे भाई बहन
कि श्री सह का संधि विच्छेद क्या होगा, तो आप बताएंगे श्री धन ईसह। फिर पूछ लेगा श्री सह में कौन सी संधि है, तो आप बताएंगे दीर्घ संधि है। और दीर्घ संधि करने वाला सूत्र क्या है, तो कह सबरणे दीर्घा। आप समझ गए होंगे, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। झलाम जसो अंते, क्या गजब का सूत्र है मेरे भाई बहन। झलाम जसो अंते पदांते झलाम जस सिहु, पदांते झलाम जस सिहु न एकाले झलाम जसो अंते इति सूत्रेण सिद्धम शुद्ध उदाहरणम अस्ति। एकाएक शुद्ध उदाहरण क्या है आपको बताना है। जगदीशा होगा कि बुद्धि होगा कि सन्मति होगा कि एतन मुरारी होगा। मेरे भाई बहन, झलाम जसो अंते से कौन सी संधि होती है, तो जस तो संधि होती है। कौन सी संधि होगी, जस तो संधि। और मैं आपको बता दूं, जस तो संधि का एक नियम है, याद कर लीजिएगा। प्रथम वर्ण को तृतीय वर्ण हो जाता है, यानी ए राइट आंसर, ए ऑप्शन को सही कर लीजिए। झलाम जसो अंते यानी जस तो संधि का उदाहरण क्या क्या है, कुछ नोट कर लीजिए। जगदीशः वागीशः, जगदीशः वागीशः। मेरे भाई बहन, जगदीशा का संधि विच्छेद क्या होगा, तो नोट कर लीजिएगा। जगदीशा का आपके एग्जाम में संधि विच्छेद पूछा जाए, तो नोट कर लीजिए। जगत धन ईसह वाक धन ईसह वागीसह, यानी जगदीशा में वागीसा में जस्त संधि है। कौन सी संधि होगा मेरे भाई बहन, जस्त संधि, जस्त संधि है। और जस्त संधि का सूत्र क्या है, झलाम जसो अंते पदांते झलाम जसस्यु। तो निश्चित रूप से जगत धनीसा जगदीशा में कौन सी संधि है, संधि पूछा जाए तो आप बताना जस्त संधि। संधि पूछा जाए तो क्या बताएंगे आप, जस्त संधि मेरे भाई बहन। फिर से पूछा जाएगा कि जगदीशा का संधि विच्छेद क्या होगा, तो आप बताएंगे जगत धनीसा। और सूत्र क्या है जस्त संधि का, तो आप बताएंगे झलाम जसो अंते। इस तरह कई क्वेश्चन बन रहे हैं, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे आइए अगला सवाल। तोरलिही, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तोरलिही इति सूत्रेण तावर्गस्य लकारे परे सति तावर्गमपि किम स्यात्। मेरे भाई बहन, तोरली सूत्र है किस संधि का, आपको मैं बता दूं, लत्तो संधि। आगे सारी संधियां हम आपसे डिटेल में चर्चा करेंगे, विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तोरली यानी लत्तो संधि का सूत्र है। लत्तो संधि में होता क्या है, तावर्गस्य लकारे परे परसवर्ण, यानी मेरे भाई मन ता था दा धा ना के बाद यदि ला आवे तो तथा तथा ना के स्थान पर ला हो जाता है। क्या हो जाता, ला, यानी ता के स्थान पर ला, था के स्थान पर ला, दा के स्थान पर ला, धा के स्थान पर ला, ना के स्थान पर ला, यही तो लत्तु संधि है। लत्तु संधि यानी ला हो जाता है। ताथा दाधा ना के बाद जब ला आवे तो ताथा दाधा ना के स्थान पर ला हो जाता है। मेरे भाई बहन, इसी का नाम है लत्तु संधि और इसी का सूत्र है तोरली, यानी क्या हो जाता है, ला हो जाता है। तो ए राइट आंसर, ए ऑप्शन को सही कर लीजिए। जब ताथा दाधा ना के बाद, फिर सुन लीजिएगा, जब ताथा दाधा ना के बाद ला आवे तो ताथा दाधा ना के स्थान पर ला हो जाता है, इसी का नाम है लत्तु संधि। और सूत्र क्या है, तोरलिहि तावर्गस्य लकारे परे परसवर्णः। मित्र, कुछ उदाहरण मैं यहाँ आपको दिखा दूँ लत्तु संधि का, देख लीजिएगा कुछ उदाहरण जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। कुछ उदाहरण देख लिए, जैसे तत्धन लयः,
तत् धन लय। ये देखिए तावर के बाद ला है, तो ता की जगह ला हो जाएगा, क्या बनेगा मेरे भाई बहन? ता की जगह क्या हो जाएगा? ला हो जाएगा, तो क्या बनेगा? बोलिए तल्लय तल्लय। इसी ता के स्थान पर ला हो गया। क्यों ता के स्थान पर ला हो गया? क्योंकि ता के बाद ला है, तो ता की जगह ला हो गया। यानी ए राइट आंसर, ए ऑप्शन को सही कर लीजिए। ता की जगह क्या हो जाता है? ला हो जाता है। क्या सही होगा? तल्लय। फिर इसी तरह तत् धन लीन, तत् धन लीन। मेरे भाई बहन ता के बाद ला है, इसी ता के स्थान पर क्या हो जाता? ला हो जाता है। यही तो प्रश्न है कि तोरलीत सूत्रेण तावर्गस्य लकारे परे सति तावर्गम अपि किम स्यात्, यानी लकारम स्यात्, ला हो जाता है। आप समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला सवाल, वा घरी ही वा घरी ही वा घरी ही इति पदस्य वा घरी ही इति पदस्य संधि विच्छेदम स्यात्। एकारे वाक घरी का संधि विच्छेद क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जानते होंगे। सी राइट आंसर मेरे भाई बहन, वाक धन हरी, वाक धन हरी। बहुत लाजवाब सवाल है। वाक धन हरी से क्या बनेगा? वाक घरी। एक सूत्र आपको अभी देखिए, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं, अभी हम आपको संधि पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे। अभी प्रैक्टिस कर लीजिए, क्वेश्चन को रट लीजिए। इसके बाद जब हम आपको विस्तृत व्याख्या पढ़ाएंगे, तो वहाँ हर सूत्र की, अकाशवाणे दीर्घा की, आद गुड़ा की, वृद्ध रेच की, इको एणच की, एचो अयवायावह की, एंगा पदांतादत की, एंग पर रूपम की, झलाम जसो अंते की, अस्तो अश्चुनाश्चु की, न अष्टुनाष्टु की, न तोरली की, इन सारे सूत्रों की हम आपसे विस्तृत चर्चा करेंगे। पूरा डिटेल में हम आपसे बातचीत करेंगे। अभी क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। मेरे भाई बहन वाक घरी की बातचीत चल रही है, यानी एक सूत्र अभी आपको आगे पढ़ाएंगे हम। झयो हो अन्यतरस्याम, झयो हो अन्यतरस्याम, ये सूत्र आगे हम आपको पढ़ाएंगे मेरे भाई बहन। ये सूत्र बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ना झलाम जसोवंते पढ़ाएंगे, झयो हो अन्य तरस्याम पढ़ाएंगे। यानी जितने सूत्र हैं स्वर संधि और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि में, स्वर व्यंजन विसर्ग तीनों संधियों में जितने भी सूत्र होंगे, हर सूत्र की हम आपसे विस्तृत चर्चा कर लेंगे। तो वाक घरी, अभी यहाँ देखिए वाक घरी का संधि विच्छेद क्या होगा? वाक धन हरी हो जाएगा। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगला सवाल। खर्वसानयो विसर्जनीय, खर्वसानयो, देखिए रिक्त स्थान की पूर्ति करना, खर्वसानयो डॉट 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 इति सूत्र से रिक्त स्थानम पूरणीयम। कार्य एक रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, तो ये तो सभी लोग जानते हैं, इसको तो सब जानते हैं। खर्वसानयो विसर्जनीय, खर्वसानयो विसर्जनीय, न खर्वसानयो विसर्जनीय। मेरे भाई बहन ये विसर्ग होता है, रा को विसर्ग हो जाता है, रा को विसर्ग किस सूत्र से होगा? तो यही सूत्र है, आगे इस सूत्र को भी हम आपको पढ़ाएंगे। जब मनोरथ इत्यादि पढ़ाएंगे, तो वहाँ इस सूत्र को भी हम आपको पढ़ाएंगे। तो खर्वसानयो विसर्जनीय, तो बी राइट आंसर, बी ऑप्शन को आप क्या करेंगे? सही कर लेंगे, बी सही जवाब। अगला प्रश्न, पुनर रमते, ध्यान से सुनिएगा, पुनर रमते क्या बना? पुनः रमते, क्या गजब का उदाहरण है मेरे भाई बहन। पुनर्धन रमते, इससे क्या बना? पुनारमते। सवाल है कि इति कृते प्रमुख सूत्रम, कौन सा सूत्र होगा? तो मेरे भाई बहन ए ऑप्शन को सही कर लीजिए। ढ्रालोपे पूर्वस्य दीर्घो अणः, ढ्रालोपे पूर्वस्य दीर्घो अणः। मेरे भाई बहन जहाँ ढा और रा का लोप होता है, उसके पहले आए हुए अण प्रत्याहार के जो वर्ण होंगे, यानी आ का, ई का, ऊ का दीर्घ हो जाता है,
पहले पुनर्धन रमते हैं। पुनर में आप देखेंगे मेरे भाई बहन, देख लीजिएगा, पुनर्धन रमते। आप यहाँ देख लीजिए, पुनर का रा है और रमते का रा है। जब रा के बाद रा आवे तो पूर्व वाले रा का, किस रा का? पूर्व वाले रा का, यानी पहले आए हुए रा का हम एक सूत्र है रोरी। इसी सूत्र से पूर्व वाले रा का हम लोप कर देते हैं। और ढ्रा लोपे पूर्वस्य दीर्घो अण से हम क्या करते हैं, जब रा लोप हो जाएगा तो बनेगा पुनरमते। और ढ्रा लोपे पूर्वस्य दीर्घो अण से रा के पहले ना में हरस आ है, इसी का हम दीर्घ कर देते हैं तो हम क्या बना लेंगे, पुनरमते। यानी रोर सूत्र से रा का लोप करेंगे और ढ्रा लोपे पूर्वस्य दीर्घो अण से हम दीर्घ कर देंगे, यानी पुनरमते बना किससे, यही ढ्रा लोपे पूर्वस्य दीर्घो अण। जब रा का लोप होगा तो अण में आ ई उ आएगा, उसी का हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं दीर्घ कर देंगे। इसके बहुत उदाहरण, जैसे अंतर्राष्ट्रीय पुनरमते हरि रम्य गुरु रम्य, बहुत उदाहरण है मेरे भाई बहन और आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगला सवाल, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम किम अस्ति, ये तो बहुत अच्छा सा सवाल है। अभिज्ञान शाकुंतलम दुनिया जानती है नाटक है, ए राइट आंसर, ए ऑप्शन को सही कर लीजिए। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है, किसका नाटक है, तो आपको बता दें महाकवि कालिदास का नाटक है। अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक हैं, तो 7 अंक हैं ना। इसकी नायिका कौन है, तो नायिका मेरे भाई बहन शकुंतला है। और नायक कौन है, राजा दुष्यंत नायक है, शकुंतला नायिका है, कालिदास की रचना है, 7 अंक है, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है और पूरे दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नाटक है। मेरे भाई बहन आप पढ़े होंगे, काव्येषु नाटकम् रम्यम् तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि च चतुर्थो अंकः तत्र श्लोक चतुष्टयम्। काव्यों में नाटक रमणी होता है और नाटकों में अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक रमणी है। कभी मौका मिले तो आप पढ़िएगा, राजा दुष्यंत और शकुंतला का गजब का वर्णन है मेरे भाई बहन। तो काव्येषु नाटकम रम्यम, काव्यों में नाटक रमणी होता है, नाटक यानी पिक्चर। काव्येषु नाटकम रम्यम, और उन्हीं नाटकों में तत्र रम्या शकुंतला, शकुंतला का जो नाटक है वो रमणी है। और तत्रापि च चतुर्थो अंक, कुल 7 अंक हैं और इन्हीं 7 अंक में जो चौथा अंक है ना उसको पढ़िएगा, बहुत मजा आएगा ना। यहीं से तो शुरुआत होती है। दो सखियां रहती हैं, प्रियंवदा और अनुसुईया, ये दोनों पुष्प चुनती रहती हैं। इसी समय राजा दुर्वासा का नाम आपने सुना होगा, दुर्वासा ऋषि थे, इनका प्रवेश हो जाता है और शकुंतला कुटिया में ध्यान लगाए बैठी थी। किसका ध्यान लगाई थी, राजा दुष्यंत का। उसी समय दुर्वासा आते हैं और अतिथि सत्कार नहीं हो पाता है तो वही श्राप दे देते हैं, हा अतिथि परिभावनी विचिंतयन्ति यमनन्यमानसा तपोधनम वेत्सि न माम उपस्थितम स्मृश्यति त्वाम न सबोधितोऽपि सन् कथां प्रमत्तः प्रथमं कृतामिव। चौथा अंक पढ़िएगा मेरे भाई बहन। चौथे अंक में कुल 22 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं मेरे भाई बहन, 22। चौथे अंक में कुल श्लोकों की संख्या 22 है। और आपको बता दें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, कथां प्रमत्तः प्रथमं कृतामिव, ये तो विचिंतयन्ति पहला श्लोक है। और 22वां श्लोक अगर आप देखें
त्वर्थो हि कन्या परकीयैव तामत्य संप्रेष्य परिग्रहीतुः जातो ममायं विशदः प्रकामं प्रत्यर्पितन्या शिवंतरात्मा प्रत्यर्पितन्या शिवंतरात्मा। तो क्या गजब का है, चौथा अंक एक बार पढ़िएगा, आपको बहुत मजा आएगा। खाली समय मिले तो चौथा अंक पढ़िएगा अभिज्ञान शाकुंतलम का। मित्र आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20। धात्रंसह पदस्य संधि विच्छेदः स्यात्। धात्रंसह पद का संधि विच्छेद क्या होगा, ये सवाल आपसे है मेरे भाई बहन। सी ऑप्शन को सही कर लीजिए। धातृधन अंशः, धातृधन अंशः क्या बनेगा, धात्रंसह। कौन सी संधि है, तो यण संधि है। धात्रंसह में कौन सी संधि है मेरे भाई बहन, यण संधि। और बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है, नोट कर लीजिए। और यण संधि का सूत्र क्या है, तो सूत्र भी लिख लीजिएगा। ई को यणची, ई को यणची, यण संधि का सूत्र है ई को यणची। और धात्रंसह में कौन सी संधि है, तो यण संधि है। यण संधि का सूत्र क्या है, ई को यणची। और धात्रंसह का संधि विच्छेद क्या होगा, तो धातृधन अंशः। बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है, अगले उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला। एचो आय वाया वह, एचो आय वाया वह, ध्यान से देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। एचो आय वाया वह सूत्रानुसारेण ओ वर्णस्य स्थाने अच किम भवति। एक अरे पहले तो ये जान लो, एचो आय वाया वह एक किस संधि का नाम है, तो लिख लीजिएगा आयादि संधि। किस संधि का सूत्र है मेरे भाई बहन, आयादि संधि का सूत्र है। आयादि संधि का सूत्र क्या है, तो एचो आय वाया वह। आप पढ़े होंगे मेरे भाई बहन आयादि संधि, ना भी पढ़े होंगे तो हम आपको पढ़ा देंगे। जब ए ओ आए और आओ के बाद कोई स्वर आवे, मेरे भाई बहन इसके बाद कोई स्वर आवे, तो होता है क्या, इसमें होता है क्या, आगे हम इसकी डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी परिभाषा सुन लो। जब ए ओ आए आओ के बाद कोई स्वर आवे, तो ए के स्थान पर आप जानते ही होंगे, ए के स्थान पर आय हो जाता है, ओ के स्थान पर अव हो जाता है, आय के स्थान पर आय हो जाता है, अव के स्थान पर आव हो जाता है। इसी का नाम है अयाद संधि, और इसी का सूत्र यही है एचो आय वा या वह। आप देख लीजिए जब ए ओ आय औ के बाद, ए ओ आय औ के बाद कोई भी स्वर आवे, तो ए के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर अव, आय के स्थान पर आय, आव के स्थान पर आव हो जाता है। तो यहाँ कह रहा है ओ के स्थान पर क्या होगा, ओ के स्थान पर क्या होगा, आओ। ओ के स्थान पर क्या होगा, आओ, यानी बी राइट आंसर। बी ऑप्शन को सही कर लीजिए, बी राइट आंसर, बी सही जवाब। ओ के स्थान पर आओ, ए के स्थान, देखिए चार क्वेश्चन बनेंगे, चार प्रश्न बन रहे हैं। ए के स्थान पर आया, ओ के स्थान पर आवा, आय के स्थान पर आया, औ के स्थान पर आव हो जाता है किस संधि में, आयादि संधि में। सूत्र क्या है, एचो आय वाया वह। मेरे भाई बहन बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, आगे हम आपसे वादा किए हैं। संधि तो इतना आसानी से हम आपको पढ़ चुके हैं, अभी प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, बाकी जब हम थ्योरी पढ़ाएंगे तो इसी तरह हम आपको तालिका बना बना करके ऐसे समझा देंगे ना, कभी नहीं भूलेगा। जैसे परिभाषा कोई कहे आयाद संधि का क्या है, तो परिभाषा रटना नहीं, ये तालिका देख लो, परिभाषा याद हो गया। जब परिभाषा ऐसे बना लेना, जब ए ओ आए औ के बाद कोई भी स्वर आवे, तो ए के स्थान पर आया, ओ के स्थान पर आवा, आय के स्थान पर आय, अव के स्थान पर आव हो जाता है, जिसका नाम है आयादि संधि। मेरे भाई बहन आप समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
वृद्धिरेचि सूत्रस्य उदाहरण रूपेण भवितुं शक्यते। तो वृद्धिरेचि सूत्र का उदाहरण आपको बताना है। चलिए बताइए, उपेंद्र होगा कि देवय सौर्यम होगा कि गंगोदकम होगा कि जनेकता होगा। चलिए जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से एक बार आप कमेंट करके जल्दी से बताइए कि क्या होगा। वृद्धिरेचि से वृद्धि संधि होती है और इसका उदाहरण आपको बताना है। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए जितने भाई बहन सब एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए क्या होगा। बी राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, देव ऐश्वर्यम। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? देवधन ऐश्वर्यम, देवधन ऐश्वर्यम। ध्यान से देखिएगा, यहाँ ऐ रहेगा, ऐ। बहुत सारे लोग यही तो गलती कर देते हैं, यही तो गलती करते हैं। ऐ रहेगा, देवधन ऐश्वर्यम। क्या बनेगा? देव ऐश्वर्यम। तो बी राइट आंसर, बी सही जवाब। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल, लघु सिद्धांत कौमुदी अनुसारेण वागीसह पदस्य संधि विच्छेदः स्यात्। वागीसह का संधि विच्छेद क्या होगा? ये तो सभी लोग जानते होंगे। सी राइट आंसर, सी ऑप्शन को सही कर लीजिए। वाक्धन ईसह, वाक्धन ईसह। मेरे भाई बहन, अभी हमने आपको बताया का तीसरा हो जाएगा ग, का तीसरा क्या हो जाएगा? ग। अब इधर से उतर आएगा ईसह, मिला देंगे, क्या बनेगा? वागीसह। अभी हमने आपको बताया जैसे जगदीसह बनता है वैसे वागीसह बनता है। इन सब में कौन सी संधि है? तो जस्तु संधि है। संधि का अगर नाम पूछा जाए तो जस्तु संधि। कौन सी संधि है? जस्तु संधि। और सूत्र इसका पूछा जाए तो अभी हमने आपको बताया था सूत्र क्या है, झलाम जसो अन्ते, झलाम जसो अन्ते, पदान्ते झलाम जसस्यु, पदान्ते झलाम जसस्यु। तो वागीसा का संधि विच्छेद पूछा जा रहा है तो वाक धनीसा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल, यण वर्णानाम उच्चारणे वाह्य प्रयत्नस्य नामस्ति। यण, यण पहले तो जान लो कि यण प्रत्याहार में कौन कौन सा वर्ण आता है। या वा रा ला, यावा राला आता है मेरे भाई बहन। और हम आपको बता दें यावा राला ये है क्या? यावा राला ये सब अल्प प्राण है, अल्प प्राण, ये सब अल्प प्राण है। यानी ए ऑप्शन को सही कर लीजिए, ए राइट आंसर, ए ऑप्शन को सही कर लीजिए ना। आगे हम आपको बताएंगे अल्प प्राण क्या है, महाप्राण क्या है मेरे भाई बहन। तो अभी जान लो यण प्रत्याहार के जो वर्ण है वो अल्प प्राण है, क्योंकि इनको बोलने में अल्प माने कम, प्राण माने वायु, ऊर्जा, एनर्जी, कम ऊर्जा लगती है। चलिए अगला सवाल देखिए, अंतिम प्रश्न है इसका। शिवो अर्चह, क्या गजब का सवाल है मेरे भाई बहन। शिवो अर्चह, शिवो अर्चह पदस्य संधि विच्छेद स्यात्। शिवो अर्चह पद का संधि विच्छेद क्या होगा? तो राइट आंसर डी ऑप्शन को सही कर लीजिए। शिवसधन अर्चह, शिवसधन अर्चह, क्या बनेगा? शिवो अर्चह। एक सूत्र है अतोरोह अप्लुतात अप्लुते, अतोरोह अप्लुतात अप्लुते, इसी सूत्र से होता है। आगे मैं इस सूत्र की आपसे डिटेल में बातचीत करूंगा। अभी शिवो अर्चह का संधि विच्छेद क्या होगा? तो शिवसधन अर्चह, बहुत इंपॉर्टेंट है, डी ऑप्शन को सही कर लीजिएगा मेरे भाई बहन। इस वीडियो में अभी चूंकि संधि के एक दो वीडियो और बनेंगे, अभी संधि के हमारे पास बहुत क्वेश्चन है, तो कल भी हम संधि लेकर के आएंगे, परसों भी हम संधि लेकर के आएंगे। चूंकि अभी हम लोग संधि के बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ रहे हैं तो दो तीन दिन बहुविकल्पी पढ़ लेंगे। जैसे ही बहुविकल्पी पढ़ के हम लोग समाप्त करेंगे तो हम निश्चित रूप से आपसे वादा करते हैं फिर हम आपको विस्तृत व्याख्या पढ़ाना शुरू करेंगे, यानी संधि समास, कारक, प्रत्यय, शब्द रूप, धातु रूप, वर्णमाला का पूरा, आपका संस्कृत शिक्षण का, गद्यांश का, पद्यांश, पूरी व्याख्यात्मक पढ़ाना शुरू करूंगा। इससे अच्छा पहले हम क्यों आपको ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं, इसके पीछे की वजह जान लो
चूँकि हमेशा सरल से कठिन की तरफ चलना चाहिए। ऑब्जेक्टिव में इसीलिए आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि पढ़ाते समय बहुत सारे लोग, जब व्याख्या पढ़ाई जाती है ना, तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर ये बताइए कैसे क्वेश्चन बनता है, यहाँ कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है, कैसे पूछा जाता है, किस टाइप का क्वेश्चन बनता है। जब हम आपको यहाँ क्वेश्चन की प्रकृति दिखा देंगे, यहाँ हम क्वेश्चन आपको दिखा दे रहे हैं कि ऐसे ऐसे सवाल आएगा, तो वहाँ पर आप हमसे क्वेश्चन नहीं करेंगे, वहाँ आप हमसे एक क्वेश्चन नहीं करेंगे सर सवाल कैसे आता है, सवाल कैसे आता है मैं पहले आपको बता दिया हूँ, आप हमसे आप व्याख्या सुनिए, संधि समास कारक प्रत्यय शब्द रूप धातु रूप का सबका, पूरे व्याकरण का, पूरे संस्कृत साहित्य का, आप अब हमसे केवल व्याख्या सुनिए। अब आप सवाल उसमें मत पूछे सर कैसे सवाल आयोग बनाता है, आयोग कैसे बनाता अभी बता दे रहे हैं, आगे हम व्याख्या करा देंगे। आज इस वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नमः।